सिवरेज ड्रेनेज निर्माण का डीपीआर तैयार करने के लिए मैनहर परामर्शी की नियुक्ति में हुई अनियमितता और भ्रष्टाचार मामले में एसीबी ने गुरुवार की शाम तत्कालीन नगर विकास मंत्री सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को नोटिस भेज दिया है। इसके अलावा मामले में टेक्सटाइल मंत्रालय उद्योग भवन दिल्ली के एडिशनल सेक्रेटरी एवं फाइनेंशियल एडवाइजर शशि रंजन कुमार को भी नोटिस भेजा गया है। नोटिस के जरिए दोनों को यह भी कहा गया है कि नोटिस प्राप्ति होने के एक सप्ताह के अंदर आप किसी भी कार्य दिवस में एसीबी में आकर अपना पक्ष रख सकते हैं। शशि रंजन तब परामर्शी के चयन के लिए गठित मुख्य समिति के सदस्य और उप समिति के अध्यक्ष थे। जानकारी के अनुसार मामले को लेकर 31 जुलाई को पूर्व मंत्री व विधायक सरयू राय ने एसीबी के पास लिखित शिकायत की थी। इसके बाद मामले में जांच की अनुमति के लिए एसीबी ने मामले को मंत्रिमंडल निगरानी विभाग के पास भेज दिया था। मामले में सरकार से जांच की अनुमति मिलने के बाद 15 नवंबर 2020 को एसीबी ने रघुवर दास सहित अन्य के खिलाफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान एसीबी ने कई बिंदुओं पर सबूत भी एकत्र किए हैं। इसके आधार पर अब एसीबी के नोटिस भेजने की कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार सरयू राय ने अपनी शिकायत में इस बात का उल्लेख किया था कि निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में हर स्तर पर गड़बड़ी हुई थी, जिसके कारण सरकारी राजस्व में करोड़ों का नुकसान हुआ। निविदा अनावश्यक रूप से विश्व बैंक की QBS पर आमंत्रित की गई थी, ऐसा एक षड्यंत्र के तहत हुआ था। निविदा मूल्यांकन के दौरान यह भी पाया गया कि कोई भी निविदा के शर्त के अनुसार योग्य नहीं था, इसीलिए निविदा को रद्द कर नई निविदा के लिए नगर विकास विभाग के सचिव ने प्रस्ताव दिया, लेकिन तत्कालीन मंत्री रघुवर दास ने इसे खारिज कर दिया। बाद में परिवर्तित शर्तों पर जब निविदा का मूल्यांकन हुआ तब मैनहर्ट अयोग्य हो गया। बाद में इस कंपनी को योग्य करार दिया गया। यह काम मंत्री के दबाव में किया गया, जिसके लिए मूल्यांकन समिति दोषी है। सरयू राय की शिकायत के अनुसार निगरानी विभाग की तकनीकी परीक्षण होसांग ने अपनी जांच में साबित कर दिया था कि किस तरह मैनहर्ट का चयन अधिक दर पर अनुचित तरीके से किया गया। शिकायत में इस बात का भी उल्लेख था कि विधानसभा की कार्यान्वयन समिति ने मामले की गहन जांच में पाया था कि मैनहर्ट की नियुक्ति अवैध है, लेकिन रघुवर दास ने कार्यान्वयन समिति की जांच को प्रभावित और बाधित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।